जोसेफ जॉन थॉमसन इन 1856 18 दिसंबर। जोसेफ जॉन थॉमसन 1856 18 दिसंबर को पैदा हुए। ही अर्ली एजुकेशन वाज इन स्मॉल प्राइवेट स्कूल वेयर ही डेमोंस्ट्रेटेड आउटस्टैंडिंग टैलेंट एंड इंटरेस्ट इन साइंस। ही वाज एडमिटेड टू आउंस कॉलेज इन मैनचेस्टर बट द डैड इज फादर ही लेफ्ट दिस कॉलेज एंड स्टॉप द स्टडी। जे जे थॉमसन ने आउंस कॉलेज अपने कॉलेज मैनचेस्टर में एडमिशन लिया था, लेकिन उनकी वालिद की वफात के बाद उनको वो कॉलेज छोड़ना पड़ा और अपनी स्टडी को स्टॉप करना पड़ा। ही मूव ऑन ट्रिनिटी कॉलेज एंड ही पास द बैचलर एंड मास्टर इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। याद रखिएगा, जे जे थॉमसन ने सबसे पहले जो फील्ड चॉइस करी थी वो मैथमेटिक्स थी, और उसके अंदर महारत और कामयाबी हासिल करी, पास करा बैचलर्स की डिग्री एंड मास्टर्स की डिग्री। उसके बाद उन्होंने अपने करियर का आगाज़ करा रिसर्च से, और वो आगाज़ जो है 1884 से करा। थॉमसन वाज अपॉइंटेड कैवेंडिश प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज की यूनिवर्सिटी में कैवेंडिश प्रोफेसर वाज अ फेमस प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाज अपॉइंटेड। उन्होंने उनको अपॉइंट करा। दिस अपॉइंटमेंट कॉज कंसिडरेबल सरप्राइज एंड द कैवेंडिश वाज ओल्डर एंड मोर एक्सपीरियंस्ड इन द लेबोरेटरी वर्क। अपॉइंटमेंट की वजह से उनके लिए एक जिंदगी का एक यूँ समझ लें कि एक बहुत बड़ा अहम अपॉइंटमेंट था, एक बहुत अहम और एक बेहतरीन फैसला हुआ, क्योंकि कैवेंडिश एक बहुत ओल्डर और मोर एक्सपीरियंस साइंटिस्ट थे लेबोरेटरी वर्क में। थॉमसन वाज नॉन फॉर हिज वर्क एज मैथमेटिशियन वर ही वाज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंशनल टैलेंट। थॉमसन जाने जाते थे मैथमेटिशियन, एक अच्छे मैथमेटिशियन जाने जाते थे, इस वजह से उनको एक एक्सेप्शनल टैलेंटेड बंदा समझा गया, रिकॉग्नाइज किया गया लेबोरेटरी के अंदर। He was then awarded a Nobel in 1906. उन्होंने नोबेल प्राइज़ हासिल करा 1906 में। याद रखें किस रिकॉग्नाइजेशन पे? ऑफ द ग्रेट मेरिट्स ऑफ इज थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहला नोबेल प्राइज़ जो उन्हें मिला था गैसेस से, जो उन्होंने कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के प्रोसेस बताए, उसकी वजह से उनके एक्सपेरिमेंट और उन थ्योरीज की वजह से उन्हें नोबेल प्राइज भी मिल गया। ही गेव द लेक्चर इन ऑक्सफोर्ड ऑन एटॉमिक थ्योरी। उसके बाद वे एक लेक्चरार बन गए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। टॉपिक उनको क्या मिला? एटॉमिक थ्योरी का 1918 में। उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज पेश करी, जैसा कि मोर डिस्कवरीज ऑन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की मोर डिस्कवरीज बताई। जे जे थॉमसन ने जो चार्ज टू मास रेशियो बताया हमारी प्रीवियस वीडियो में, मैंने वो डिस्कस करा है, वो डिस्कवरी भी जे जे थॉमसन की ही थी। आइसोटॉप्स बताए, मास स्पेक्ट्रोमेट्री स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो टॉपिक है वो बताया, एक्सपेरिमेंट विद कैथोड रेज, कैथोड रेज के साथ एक्सपेरिमेंट करे और उनकी प्रॉपर्टीज़ बताई, मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन के बारे में बताया, इलेक्ट्रिक चार्ज रेशियो जो हम डिस्कस कर चुके हैं, रेडियो एक्टिविटी ऑफ पोटाशियम,